मंत्री विधायकों के बड़े यात्रा भत्ते अब दिन ब दिन तूल पकड़ना शुरू कर रहे हैं। जहां विधानसभा गेट से सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इसकी विरोध की आवाज उठाई गई, वहीं अब जनता भी इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरना शुरू हो गई है। आज उपायुक्त कार्यालय के समीप शहर के लोगों ने मंत्री विधायकों के बड़े यात्रा भत्तों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने लोअर बाजार में दुकान दुकान जाकर लोगों से भीख मांगकर चंदा इकट्ठा किया। प्रदर्शनकारी ललित शर्मा ने कहा कि पक्ष विपक्ष ने विधानसभा में भत्ता बढ़ोतरी के लिए एकजुटता दिखाते हुए पूर्ण बहुमत से एक आवाज में यात्रा भत्ते का बिल पास कर दिया, लेकिन अगर किसी आदमी की कोई समस्या हो तो फाइलों में दबी रह जाती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बिना किसी विरोध के मंत्री विधायकों के भत्ते बढ़ जाते हैं। वहीं आज आउटसोर्स व अन्य कर्मियों को कम पैसों में ही अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी करनी हो तो कई वर्ष लग जाते हैं। साथ ही सरकार यह कहती है कि 2500 से ऊपर आमदन वाला बीपीएल में नहीं आता। वहीं मंत्री विधायकों के लाखों रुपए वेतन होने के बावजूद भी यह अपने भत्तों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि यह राशि वह मंत्री व विधायकों को एकत्रित करके दे देंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। मैं ललित शर्मा और ये हमारे सभी भाई लोग, तो आज जो हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये जो विधायकों ने अपने यात्रा भत्ते बढ़ाए हैं उसके विरोध में हमारा ये प्रदर्शन है। जिस तरह से इन्होंने पक्ष विपक्ष ने इकट्ठे होके एकदम से एक मत से चंद मिनटों के अंदर अपना जो इस विधेयक को पास करवाया है उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आम आदमी अगर उसकी किसी चीज़ के ऊपर विधानसभा में अगर चर्चा हो तो उसको जो है वो सिर्फ फाइलों में रह जाती है, उसको कहीं भी सिरे पे नहीं पहुंचती है। अगर 10 रुपये अगर हमारे आम आदमी के अगर डेली वेजेस हो या कुछ अगर इस तरह से कुछ करना हो, अगर बढ़ाने हो, तो उसमें जो है ये साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं। आज हम 6500 या 7000 जो हमारी मिनिमम वेजेस है, क्या उससे जो हमारा घर चल सकता है? उसमें हम अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण, अपने घर को देखना है या अपने रिश्ते नाते सब कुछ, ये उसमें हो जाएगा 6500-7000 में? या फिर जैसे 2500 रुपये आज जो है बीपीएल की सूची इन्होंने रखी है, 2500 से ऊपर अगर हो तो वो जो है बीपीएल में नहीं आएगा। या फिर 30,000 जो है वो अगर 30,000 रुपये सालाना अगर 30,000 ऊपर से अगर कमाई हो तो वो बीपीएल के अंदर नहीं आएगा। क्या इस तरह से जो क्या इस समाज में हम रह रहे हैं कि जहाँ पर जो 30,000 से कम जो है वो हम जो है वो गरीबी में है और उससे ऊपर जो हमारा निर्वाह बड़े अच्छे ढंग से हो सकता है? तो इसी इसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया है, ये सारे युवा साथी। इसमें कोई लेड या कोई कुछ ऐसा नहीं है, हम सारे जनता इकट्ठा है, ये जनता इकट्ठा है, हम जितने भी हैं विभिन्न विभिन्न पार्टियों से है, तो मेन मुद्दा हमारा है और हम चंदा इकट्ठा करेंगे। आज हम यहाँ पर विचार में चंदा विधायकों के लिए, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, क्योंकि गरीब विधायक है ना, वो बीपीएल की सूची में है, वो तो उनके लिए हम चंदा इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल, और ये मिली जुली सरकार है। हाँ, देखो ना, 7 अप्रैल 2000 लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब